धन वाहिगुरु साहिब जी, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरु बाणी कहे सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। एक ओंकार सत नाम करता पुरख, निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सै भंग गुरप्रसाद। बसंत हिंडोल महला पहला, राजा बालक नगरी काची, दुष्टा नाल प्यारो, दोए माई दोए बापा पड़ियाँ, पंडित करो विचार। स्वामी पंडिता देवो मती, किन बिद पावो प्राण पति। स्वामी पंडिता देवो मती, किन बिद पावो प्राण पति। रहाओ पीतर अगना बनस्पत मौली, सागर पंडय पाया, चंद सूरज दोए घर ही पीतर, ऐसा ज्ञान न पाया। राम रवंता जानिए, एक माई भोग करे, ताकि लखन जानिए, खिमा धन संग्रह। कहया सुने न खाया माने, तिना ही सेती वासा, प्रणवत नानक दासन दासा, खिन तोड़ा खिन मासा। कहया सुने न खाया माने, तिना ही सेती वासा, प्रणवत नानक दासन दासा, खिन तोड़ा खिन मासा। परम सम्मान योग गुरु प्यारी साध संगत जीओ, शामा वेले दे गुरमत समागम दी बहुत प्यार नाल आपां सारे हाजरी भर रहे हाँ। सोदर रहरास पावन बाणी दा पाठ सत्कारयोग भाई साहब होना पासों सब तो पहला आपां सरवण कीता है, उस तो उपरंत सत्कारयोग भाई साहब होना दे जथे ने सानू सारिआं नूं सतगुर दी पावन बाणी दा कीर्तन सरवण कराया है। सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की रसना तो बसंत राग विच उचारण किया होया पावन शब्द, जो गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 1171 के उपर सवायमान है। गुरदेव जी के अमोलक बचन विचारन तो पहला जितने भी माई भाई गुरु की गोद विच बैठ के सरवण कर रहे हो, चाहे लाइव देश विदेश विच अपने घरां विच बैठे हैं, इस समागम का आनंद प्राप्त कर रहे हो, फतेह प्रवान करो। गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
गुरु प्यारी साध संगत जी गुरु नानक साहब महाराज जी की रसना तो उच्चारण किए हुए पावन शब्द का आप सारिया ने पाठ सरवण किया। गुरदेव जी ने इस पावन शब्द में बहुत प्यारियां एग्जैम्पलां दे के सानू समझाने का यतन किया। पातशाह जी ने जिथे बार ब्रह्मांड की गल की है उत्थे नाल नाल ये भी सानू समझाया है कि जो कुछ बाहर है वो तेरे अंदर भी है। जे बनस्पति हरी है उदे विच अग भी है, इदा हे इंसान तेरे विच विशियां वकारां दी अग भी है पर तू इस अग चो अपने आप नू बचा भी सकता है। सतगुरु जी ने बहुत प्यारियां उदाहरणां दे दे के इस मनुखी मन नू सही सीध देण दा यतन कीता है कि असी जिंदगी दे सही रस्ते दे उत्ते तुर सकीए। तां ही ते सतगुरु ने इह शब्द बार बार वरते ने भी भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर वड भागी पाया। भुलण दा भी उदों खदसा हुंदा है जदों रस्ते दो पाड़ जाण तीन हो जाण। जे तुसी इक्को रस्ते ते सिंगल जा रहे हो ते फिर भुलण दा ते कोई मतलब है ही नहीं। जदों चौंक आउंदा है चरस्ता आउंदा है उदों उस चो एक रस्ता ऐसा है जिहड़ा तुहानू तुहाडी मंजिल ते लैके जांदा है ते हो सकदा दो रस्ते ऐसे होण जिहड़े तुसी उस रस्ते ते पै जाओ ते जिन्ना असी तुरीए उन्ना साडी मंजिल तो असी दूर हुंदे जाईए। बस उत्थे ही सियाणप हुंदी है भी मनुख नूं जे नहीं पता ते पुछ लैंदा किसी कोलों भाई भी मैं फलाने शहर जाणा। अजकल तां सौखा ही है कि GPS लगे हुए ने, पर कभी वक्त हुंदा सी जिहनूं नहीं सी पढ़ना आउंदा वह भी मनुख पुछ लैंदा सी कि भाई मैनूं दस दिओ मैं फलाने पिंड फलाने शहर जाना है। तो सियाणा बंदा दस दिंदा सी कि आ राह भाई तू सौखा पहुँच सकदा है। तो ये गल मनुखी जीवन की है कि जदों तुहानूं नहीं पता तुसीं किसी नूं पुछ सकदे हो कि भाई मैं जिंदगी दे किवें रस्ते ते सही तुर के अपनी जिंदगी नूं किवें वधिया बनाउणा है। पर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पुछण वाला तो अणजाण हुंदा ही है, दसण वाला भी कई बार अणजाण हुंदा है। तां ही सतगुरु नूं कहना पिया सी भी अंधे कह रहा दसे हैं अंधा होए सुजाए होए सुजाखा नानका सो क्यों उजड़ पाए। कई बार जिंदगी ऐसा भी हुंदा भी जदों असीं पुछण लगते हैं असी तो विश्वास ना पुछते हैं पर अगला जिहड़ा कई बार वो सानू गलत रस्ते ते पा दिंदा है। पर अज इदां ही वापर रहा है इंसानी जीवन दे विच कि मनुख अपने वलों तो भरोसे नाल ही पुछदा है पर कई बार रस्ता गलत दस्या जा रहा। मनुख अपने वलों तुरदा है पर जिन्ना तुरदा उन्ना मंजिल तो दूर हुंदा जांदा है। आओ बड़े प्यार नाल एक बार शब्द दीआं तुकां दा पाठ कर लईए तां कि साडा मन शब्द दी विचार वास्ते तैयारी विच आ सके। सारी संगत नूं बेनती है जिथे तुसीं सरवण कर रहे हो उत्थे नाल नाल स्क्रीन ते शब्द दे इन्हां नेत्रां नाल दर्शन भी कर रहे हो, आओ बड़े प्यार नाल सारी संगत हाजरी लवाओ फिर आपां रल के विचारां दी सांझ पाउने आ। स्वामी पंडिता देवो मती किन बिद पावो प्राणपति, ये हुण जिहड़ा शब्द है ये किसी विशेष श्रेणी नाल संबंधित नहीं है भी जै शायद जिहदे मत्थे ते तिलक लगा है जिहदे धोती है जिहदे बोधी है शायद महाराज उन्हूं पंडित कह रहे हैं। यानी कि जिहड़ा भी दावा करता है कि मैं तुहानूं रब दा रस्ता दसदा वा तो कई बार दसण दे नां ते मनुख नूं कर्म कांडां विच उलझाई रखदा। वह पग वाला भी हो सकता है, वह परने वाला भी हो सकता है, वह धोती वाला भी हो सकता है, तो कशहरे वाला भी हो सकता है। तो इस करके इस शब्द नूं विशेष किसी श्रेणी नाल लाउण दी लोड़ नहीं है। ये जिहड़ा भी अपने आप नूं धर्म का दावा करता भी मैनू दूजियां नालों ज़्यादा पता है मैं दसांगा भाई आ रस्ता सही है तो आ रस्ता गलत है, तो इत्थे पातशाह जी ने बहुत सौखिया तरीके नाल सानू समझाउण दा यतन कीता है। आओ रल के एक बारी पढ़िए फिर आपां शब्द दी विचार नाल सांझ पाउने हाँ। स्वामी पंडिता देवो मती, स्वामी पंडिता देवो मती, वाह वाह, स्वामी पंडिता तुम देवो मती, स्वामी पंडिता तुम देवो मती, किन बिद पावो प्राणपति, किन बिद पावो प्राणपति,
वाह वाह। राजा बालक नगरी काची, राजा बालक नगरी काची, दुष्टा नाल प्यारो, दुष्टा नाल प्यारो, दोए माई दोए बापा पड़ी है, दोए माई दोए बापा पड़ी है, पंडित करो विचारो, पंडित करो विचारो, पीतर अगन बनस्पत मौली, पीतर अगन बनस्पत मौली, वाह वाह। सागर पंडय पाया, सागर पंडय पाया, चंद सूरज दोए घर ही पीतर, चंद सूरज दोए घर ही पीतर, ऐसा ज्ञान न पाया, ऐसा ज्ञान न पाया, राम रवंता जानिए, राम रवंता जानिए, एक माई भोग करे, एक माई भोग करे, ता के लखन जानिए, ता के लखन जानिए, खिमा तन संग्रह, खिमा तन संग्रह, वाह वाह। कहया सुने ना खाया मन, कहया सुने ना खाया मन, वाह वाह। तिना ही सेती वासा, तिना ही सेती वासा, वाह वाह। प्रणवत नानक दासन दासा, प्रणवत नानक दासन दासा, खिन तोड़ा खिन मासा, खिन तोड़ा खिन मासा, स्वामी पंडता तुम देव मती, स्वामी पंडता तुम देव मती, किन बिद पावो प्राणपति, किन बिद पावो प्राणपति, पातशाह जी समझाते ने, हे अपने आप नूं धार्मिक व्यक्ति अखवाउण वाले, तू मत उह दे रहा है जिहड़ी मत दे नाल मनुख कर्म कांडां दे जाल विच फसदा है, वह चीज़ नहीं दसदा कि जिहदे नाल मनुख उस मालक दे नाल सांझ पा सके ते अपनी सोच नूं उच्चिया चुक सके। शरीर दे तल उपर कर्म कांडां नूं तरजीह पहलां भी दित्ती जांदी रही ते अज भी दित्ती जा रही है, तो शरीर के तल उपर किए हुए कर्म कांडा सतगुर ने बाणी च बहुत थावां ते पखंड शब्द नाल संबोधन किया है, जिवें कर्म धर्म पाखंड जो दिस है तिन जम जागाती लुट है। जेड़े कर्म धर्म का नाम लैके किए जाते हैं हजूर फरमाते हैं उन्होंने जम जगात के रूप में लुट लेंदा है। किवें लुटदा है? जिवें नौवें पातशाह जी ने बचन किया से भी तीर्थ ते भी गया, वर्त भी रखे, पर नाल हंकार रूपी जम ने वह सारा कुछ खत्म कर दिता।
तीर्थ वर्त आर दान कर मन में धरै गुमान, नानक नेफल जात तेह ज्यों कुंचर इशनान। जिमें हाथी बड़िया रीझा नाल इशनान करता है, पर जिनी रीझ नाल लाउंदा है उन्नी रीझ नाल ही मुड़ के अपने ते चिकड़ फिर दोबारा पा लैंदा है। धर्म के कर्म निभाउण वाला मनुख भी शरीर के तल उपर कर्म बहुत करता है, पर जिंदगी च सुधार आउण की बजाए सगों उल्टा काम हो जाता है। जिमें कोट तीर्थ मज्जन इछनाना इस कलमे मैल भरी जाए। हजूर कहते ने साध संग जो हर गुण गावै सो निर्मल कर लीजै। तो यह शुरू तो ही शरीर के तल पर जिमें पातशाह धन गुरु अर्जन साहब जी का वाक पढ़ते हैं, पूजा वर्त हूँ कई बार वेखीदा है जिहड़िया कर्मकांडा तो सानू सतगुर की बाणी रोकती है, वह कर्मकांड अज साडे कोलों धर्म के नाते सब तो वध करवाए जा रहे हैं। जिमें तीर्थ वर्त अरदान कर, इदां गुरु पंजवें पातशाह जी कहिंदे ने पूजा वर्त तिलक इशनाना पुन दान बौदैन कहूं ना पीजै संजम स्वामी बोलै मीठे बैन। हुण इह किहड़े किहड़े कर्म ने, पूजा धर्म के नाम ते पूजा भी बहुत हो रही है, वर्त वर्त भी बहुत रखे जा रहे हैं, पूजा वर्त तिलक, हुण इह सारे धर्म के कर्म मन्ने गए भी इहदे नाल इह मनुख लाएगा वरतेगा तो मनुख धर्मी बनेगा। हुण पूजा वर्त तिलक चौथा गया इशनान, इशनाना पुन दान दान पुन करना, पुन दान बौदैन कहूं ना पीजै संजम स्वामी, इदां दे कीते हुए संजम इदां दी कीती हुए कर्मां दे नाल ओ मालक खुश नहीं हुंदा। कहूं ना पीजै संजम स्वामी बोलै मीठे बैन, हाँ प्रभु जी को नाम जपत मन चैन, बहु प्रकार खोजें सब ताको बिखम ना जाई लैन। जाप ताप भरमन बसुदा कर, जप भी कीते तप भी कीते चलिए भी कटे नंगे पैरी भी तुर के वेख लिया, सारा कुछ करके वेख लिया, उर्द ताप जाने के धर्म के नाते पुठा लमके भी वेख लिया। तुसी वेखा ना तरह तरह के लोग परमेश्वर के नाते उन्हों पाउण वास्ते कई कर्मकांड करते, कोई पुठा लटकदा जे अत की ठंड है तो ठंडिया पानिया च खलोंदा है, जिथे बर्फ के ढेर लगे हुए ने उत्थे बह के वो अपने आप को कष्ट दिंदा है, जे अत की गर्मी है तो अग बाल के धूनी तपा के बन्ने बन्ने बैठता है। तो इदां दे अनेक कर्मकांड किए गए कि शायद ये मालक मेरे ते खुश होएगा। आ दूर की जाना है, आपां घरों तुरदे हाँ गड्डी ते आउंदे हाँ, जे कोई नेड़े है तो बंदा पैदल तुरदा है, जुड़ा घर बनिया हुंदा गुरुद्वारे, पर कई वारी तुसीं कई सरझालू वेखे होणे नंगे पैरी आउणगे, चलो किसी का जोड़ा चुकन का डर है वो एक वखरा विषय है भी कितने मेरा मेरी जुत्ती ना चकी जाए, पर जे जोड़ा घर भी होवे उहदे बावजूद भी कोई नंगे पैरी आवे इहदा मतलब कितने ना कितने ब्रेन च बैठा भी जो मैं नंगे पैरी तुरंगा तो गुरु साहब मेरे ते ज्यादा खुश होणगे। हुण पातशाह जी कहिंदे ने पग उपे ताणा आपणा किया कमाणा, अलमल खाई सरशाई पई मूरख खांदा पत को। हुण इह गुरबाणी च लिखिआ, हुण गुरबाणी पढ़ी नहीं असीं आ ते हुण थोड़ा जिहा फर्क पै गया। मैनूं अज भी याद है अज तो 20 साल पहलां दी गल दस, जदों असीं कॉलेज गए तां लुधियाणे कई वारी नगर कीर्तन निकलना तो सारिआं ने अपने पैरां विच जोड़े पाए होणे, जिहड़े पंज प्यारे उहनां वास्ते फिर किसी ने सुझा दिता भी तुसीं भावें कपड़े दे बूट लै दिओ, उन्हां दे भी उन्हां नूं सन चढ़दी है जदों नवें पातशाह दे शहीदी दिन आउंदे आ, जदों साहबजादियां दे दिन आउंदे आ, जदों गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश पुरब आउंदा है, तो उन्हां नूं फिर हौली हौली उन्हां नूं भी इह प्रबंध करके दित्ता गया। पर उस वक्त भी बहुत ज़्यादा विरोध का सामना करना पिया जदों इह शब्द समाज के सामने जदों पहली बार आए। तुसीं मर्यादा पढ़ो अकाल तख्त वालों जिहड़ी प्रवानत है 1931-32 में जदों खरड़ा तैयार किया गया, 45 तक उत्ते गोष्ठी की गई, 13 साल मर्यादा के उत्ते विचार गोष्ठियां हुई, फिर जाके धर्म प्रचार कमेटी वालों वह हजारां लखां की तादाद में छपदी है। उहदे विच तां इत्थों तक भी लिखे है कि जदों तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का सरूप एक जगह तो दूजी जगह पर लैके जाना है की करना है, उत्थे लिखे है भी जदों तुसीं लैके जाना है नंगे पैरी लैके जाना है, पर जे लोड़ पै जाए आ शब्द है उत्थे, जे लोड़ पै जाए ते पैरी जोड़ा पाण दा भरम बोलो जी ये मर्यादा च लिखे। अक्सर उन्होंने सोच समझ के लिखिया सी ना, पर समाज में बहुत ज़्यादा इन्हां गल्लां दा विरोध हुंदा है, ते विरोध वो लोग करते हैं जिन्होंने ना मर्यादा पढ़ी
ना जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब जी का उपदेश पढ़िया, क्योंकि बाणी च लिखिया कोलों नहीं कह रहे पग उपे पाणा अपना किया कमाणा अलमल खाई सिर शाही पाई। हुण इदां दिया कर्म कांडा नू कोई मनुख अपनी जिंदगी दे विच ए सोचे, इतिहास में तो इदा की भी घटना मिलती है भी धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज वक्त एक बड़ा प्यारा सिख हुए जिहदा नाम झंडा करके आता है, कहिंदे भी महाराज आ रहे ने ते भाई झंडे दे किते ना सेवा करदे आ किते उहदे पैर विच कोई चीज़ वज गई तिखी चीज़ वज गई ते उहदा पैर विच जख्म हो गया ते गुरु साहब पुछण लगे वह लकड़ां की सेवा करता सी लंगर विच जिहड़ी जिहड़ा लकड़ां बालियां जाणियां उहने जंगल चों कट के लियाउणियां ते महाराज कहिंदे वी की गल भाई झंडिया तू लंघा के तुरदा ते भाई झंडा हस के क्यों कहिंदा महाराज पैर च जख्म होया इस करके ते महाराज कहिंदे जिन्नी देर तक जख्म है तो तू पैरी जोड़ा ना पाया कर। हुण उहने जोड़ा पाउणा बंद करता जख्म ठीक हो गया। गुरु पातशाह एक दिन वेखदे ने वी भाई झंडिया की गल जोड़ा नहीं पाया, कहिंदा महाराज तुसीं कहा सी वी जोड़ा ना पाया कर, मैं कहा महाराज दा हुक्म सदा कमाउण लई मैं ते पक्का ही जोड़ा लाता, कहिंदे ना भाई जे बाप जोड़ा पा सकता तो पुत्र भी जोड़ा पा सकता है, वो तो तेरा जख्म सी तां करके मैं शब्द बोले सी। हुण जे गुरु साहब जी ने अपने जीवन काल दे विच दसां जामियां दे विच अपने चरणां दे विच जोड़ा पाया है कि उन्हां दा कोई पुत्र उन्हां नूं मिलण वास्ते आवे तो महाराज कहणगे भी तेरी सेवा बड़ी महान है भाई तू नंगे पैरीं चल के आ। पर साडे समाज विच तरह तरह के विचार तरह तरह की जिन्हों जिन्नी समझ आई ना उन्हें वह मर्यादा समाज के लागू करने की कोशिश की भी शायद ये गुरमत है, पर नहीं साध संगत जी गुरु साहब की बाणी पढ़ो नाले जिन्हां कंट्रियां च बर्फ पैंदी है जां जिहड़े आर्मी दे साडे नौजवान आ जिथे बहुत ज़्यादा बर्फ है उस रूप ते महाराज दे उन्हां दे कोल भी हैगे ने, पर फिर भी साडे धर्म दे विच बहुत ज़्यादा तरह तरह दियां मर्यादावां तां सरूप एक है गुरु एक है एक निशान साहिब है पर नमस्कार करन दे तरीके वक्रे वक्रे ने, क्यों क्योंकि असीं अपने अपने तरीके दे नाल चलन की कोशिश करते हैं। तो मैं सिर्फ इन्नी बेनती करनी चाहुंदा गुरु साहब जी ने कितनी प्यारी विचार दित्ती भी पूजा भी हो रही है वर्त भी रखे जा रहे हैं। हुण जिन्हां कर्म कांडा तो गुरु साहब की बाणी रोकदी है तुसीं चुगिरदे ध्यान मार के वेखोगे उह कर्म कांड अज गुरुद्वारियां विच सब तो वध करवाए जा रहे हैं, जिथे माड़ी मोट कि मर्यादा लागू है जिथे कोई सूझवान प्रबंधक कमेटी है जिथे कोई रागी ग्रंथी प्रचारक सूझवान है उन्होंने गुरुद्वारों में बहुत वधिया मर्यादा चलती, नहीं तो कई थावां ते ये फीलिंग आने लग पी भी गुरुद्वारा लाइटां बंद करके भी रब नूं याद करन दा दावा किया जा रहा, कहते परमात्मा नूं याद करना लाइटां नहीं जगाउणियां। हद हो गई भी जिथे गुरु साहब जी की विचारधारा सानूं ये दसदी है कि भाई ज्ञानी होए सो चतन होए अग्ञानी अंध कमाए, बाहर दे चानण दा ते बाहर दी हनेरे दा ते मतलब नहीं सी गल ते बंदिया तेनू आत्मक जीवन की सोझी होनी चाहीदी सी। हुण इत्थे महाराज जिहड़ा शब्द वरत रहे ने भी स्वामी पंडिता देवो मती ओ मत दे, स्वामी पंडिता तुम देवो मती किन बिद पावूं प्राण पति, गल ते इह समझा कि प्राणा दा पति किवें मिले, तू सानू कर्म कांडा च उलझाई जाना ते अज भी समाज विच कर्म कांडा दे उत्ते ज़्यादा जोर है, अकल बुद्ध समत कि तुसी अपने परिवारों च किदां रहना जिंदगी नूं किवें जूणा किवें अपनी सोच उची रखनी आ ये दसण की कोशिश घट की जा रही है। आ कर्म करोगे तो इदां होएगा, आ बाणी पढ़ोगे तो इहदा आ फल मिलेगा, तो जे जिवें पंडित नहीं सी कहिंदा भी वेद की पुत्री सिमरत पाई सांकल जेवरी लै है आई, उन्हें अपना नगर आप कर बांधिया, उन्हें अपने श्रद्धालुओं नूं इन्ने भरम जाल च फसाया सी अज उह काम ही धर्म के नाते सब तो वध किया जा रहा है। तो पातशाह जी ने कहा समझाउणा तो यह सी कि राजा बालक है किहड़ा आ शरीर एक नगर है एक देश है इहदा राजा कौन है, मन जिवें हुण आपां गुरद्वारा साहिब आए हाँ सानूं कौन लैके आया, साडा मन लैके आया, जे साडा मन ना तैयार हुंदा पैरां दी की मजाल सी भी चल के गुरद्वारे आ जांदे, इहदा मतलब साडे शरीर दा राजा कौन है साडा मन। हुण इह अणजाण है राजा बालक है पातशाह जी कहिंदे ने ते नगरी काची ये नगर कच्चा वा। हुण जे राजा अणजाण होवे ते किसे कोलों सलाह लै लवे, हुण चक्कर ये पै गया भी सलाह भी लई दुश्मना कोलों, राजा बालक नगरी काची दुष्टां नाल, सारे बोलो जी दुष्टां नाल। हुण दुष्ट कौन आ, काम क्रोध लोभ मोह हंकार इन्हां दे घेरे च राजा बालक है। अच्छा इहदे मित्र कौन ने, सत संतोख दया धर्म धीरज इन्हां दी संगत तो कोहां दूर है, राजा बालक है नगरी काची है दुष्टां नाल प्यारो दुश्मनां नाल प्यार पाउण करके जिद्दां दी ओह इहनूं मत दिंदे आ जिद्दां दी इहनूं सलाह दिंदे आ
मन उदा दे काम करता है। तां आखिया सी ना कि गुरु साहब जी ने आख्या मत पंखेरू किरत साथ। इंसान की जिहड़ी मत है ना पंछी आ। हुण किरत वेखो कक्के नूं सियारी रारा तत्ता किरत। आम असी किरत ते की अर्थ करदे आ भी किरत दा अर्थ काम भी बंदा भी मैनूं किरत इत्थे लै आई। पर गुरबाणी विच किरत दा अर्थ आया सुभा। जदों आपां पढ़दे ना किरत दा अर्थ आ सुभा। हुण मत पंखेरू जिहड़ी साडी मत वा उह पंछी आ ते किरत दा अर्थ वा सुभा। जिहड़े मैं संस्कार कट्ठे कीते ने किरत साथ जिहड़े संस्कारां दा मैं कट्ठ कीता होया ना ये मेरी मत रूपी पंछी का साथी आ। वह जिदा उड़ा वा उदा ही मत रूपी पंछी उड़ती फिरदी है। मत पंखेरू किरत साथ कब उत्तम कब नीच। हुण तुसीं कई वारी वेखो कई वारी तो बंदे की बैठे बैठे की मत इन्नी नेक हुंदी आ को हर एक बारे चंगा सोचदा जाने कि वह लागे को दुश्मन बारे भी माड़ी गल करदा कहिंदा यार इदा ना कर क्योंकि उस वक्त तो उहदी मत चंदन ते बैठी है। तो कई वारी इन्नी भैड़ी गल करदा दूजां दा यार तू इन्नी उम्मीद नहीं सी भी इन्नी घटिया सोचदा मालक होएगा क्योंकि मत पंखेरू किरत साथ कब उत्तम कब नीच कब चंदन कब आक डाल कब उची परीत। कदी तो यह चंदन की टाणी से बह जाता वा कदी आक दे टाणी से बिना आक हुंदा ना कौड़ा। हुण इंसानी जीवन की सोच आ भी कबू जीड़ा ऊब चढ़त है कबू जाए। कई वारी तो बंदा वड्डी तो वड्डी कई वारी परिवार तुसीं वेख्यो कई वारी तो वड्डी तो वड्डी भी कोई चीज़ मंगण आवे ना एक मिनट लाउंदा कहिंदा चक तू कोई गल नहीं। तो कई वारी निघी जी चीज़ बारे तां निघी जी चीज़ बारे सोच आ जांदी ये रोज़ ही आ जांदे ने इहनां दा फोन नहीं चक्यो। सोच है ना इंसान की पता नहीं लगता भी कित्थे इस बंदे ने डिग पैना है तो कित्थे बंदे ने कहना भी सब कुछ ही भावें मेरे कोलों लै जाओ। ये इंसानी सोच है कबू जिहड़ा ऊब चढ़त है कबू जाए। वो जिवें अपने पंजाबियों बारे आम कहावत सी भी कई वारी तो एक गन्ने तो लड़ाई पा लैंदा कई वारी कहिंदा भावें 20 किलो गुड़ चा के लै जा भी कई वारी तो एक गन्ने तो लड़ाई पा लैनी है भी एक गन्ना किदां कट्टिया भी आ जा हुण तू सीधा हो जा मेरे नाल। तो कई वारी कहना लै भावें 20 किलो तुसीं मन लै जाओ गुड़ भावें गल ही कोई नहीं उहदे बंदा उही है। पर उस वक्त बंदे की सोच होर है। सोच संस्कारां दे मुताबक बदलती है। जो तुहाड़े संस्कार इस नूं आखा सी करनी कागद मन मसवाणी बुरा भला दोए लेख पए ज्यों ज्यों किरत चलाए फिर किरत आ गई ना। जिदा जिदा इहनूं किरत चलाउंदी आ जिदा जिदा दा इहदा पिछे जिहड़ा संस्कार इकट्ठे कीते होए दा चलाउंदे ने उदां दे बंदा काम करदा। ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलीए तौगुण नाहीं अंत हरे। जिवें आपां पढ़दे ना नक नथ खसम हथ किरत धके दे। हुण जे आपां इहदे किरत दे अर्थ करांगे रोजी रोटी तो फिर साध संगत जी आ जिहड़े लोग ड्रग दा काम करदे आ समैकां दा काम करदे उह तां उहनां कोल ते बड़ा वड्डा बहाना वा। उह कहिंदे साडी रब ने जॉब लाई आ साडी ड्यूटी लाई आ परमात्मा ने साडे हिस्से ते जॉब ही इहो दित्ती होई आ। ना 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 इत्थे किरत दा अर्थ की है इत्थे जिवें किसान नहीं सी हुंदा उहदे कोल बलद है बलद मारदा है। हुण किसान नूं पता भी बलद मारदा है ते उहदे नक विच नकेल पाउंदा है। हुण जिहड़ा पशु मारदा नहीं उहदे नक च नकेल पाउण दी भी लोड़ नहीं पर जो उहदे नक च नकेल पाउंदा है फिर निक्का जिहा बच्चा भी बलद दी रस्सी लै के ना उहनूं उह रेड़े जो लैंदा है किले नाल बन्ह लैंदा है। हुण नक विच पाई होई नथ ते किसान की करदा है उहना क रस्सा खुल्ला छड्ड के ना उहदी खोली च पट्ठे पा दिंदा सी। किसान नूं इन्ना क पता भी इहने पट्ठे भी खाणे आ उहदी नक च नथ पा के उहना क रस्सा खुल्ला छड्ड के ते उहदे गाड़ी पट्ठे पा देणे। पर नाल उह इह वी ध्यान रखदा भी इन्ना भी खुल्ला नहीं छड्डणा इहनूं कि दूजे की खुरली जाके मूँह मारे। हुण जदों तक तो वह बलद अपनी खुरली तक मूँह रखता तो उहनूं हुंदा कख नहीं आ। जदों वह जाके हुण बलद नूं भैड़ी बड़ी आदत हुंदी है उहदे मन च उहनूं भावें वधिया पट्ठे पाए होण लागे दूजा पशु भावें तूड़ी खाण डिया होवे उहनूं एड्डी भैड़ी आदत हुंदी उह किला तड़ाउण तक जांदा कई वारी उह नस ऐ नसां च खून वगण तक जांदा उह जोर लाउंदा पूरा उह जदों जोर लाउंदा ना तां कदी वेख्यो तुसीं। हुण बलद दे नक च पाई नथ ਉਹ ਤੇ ਰੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਬੰਨ ਪਰ ਬਲਦ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧਿਆ। ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਬਲਦ ਦਾ ਬਲਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਧੱਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੁਭਾਅ ਧੱਕਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਸਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਨਾ ਇੰਨੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਰੱਸਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਕਿਆ ਗਲਾਇਓ ਪੂਛ ਪਰ ਵੇਲ ਨਾ ਜੋ ਹੈ
संत तू तेरा इन्ना क रस्ता खुला छड़िया भी आ परिवार तेरा पत्नी तेरी आ बच्चे तेरे आ माता तेरी है पिता तेरा तेरा इन्ना क रस्ता खुला छड़िया पर जो तू जोर लाने की कोशिश करेगा ना उदों तेरा नुकसान होएगा उदों तू अपना भी उजाड़ा करेगा परिवार का भी होएगा तो समाज में भी तेरी कोई रिस्पैक्ट कोई इज्जत नहीं रहेगी हूँ नक नथ खसम हथ नक च पाई नथ तो खसम दियाता नक नथ खसम हथ पर किरत सुभा अंदरों धकदा उन्हों सुभा किरत धक्के दे फिर जहां दाने जिदा जिदा वह सुभा हों जिदा जो संस्कार कट्ठे किए तह खाने नानका सच इस करके महाराज कहते बंद आ अपने अंदर संस्कार के दाने चंगे बना चंकी सोच पैदा कर चंगे विचार पैदा कर चंकी सोच होएगी चंगे कर्म होणगे चंगे कर्म होणगे तो चंगा समाज सिरजिया जाएगा बड़ी वड्डी तेरे सिर ते जिम्मेवारी है जो तू समाज विच अपने घरों बाहर निकलदा कल्ला कल्ला इंसान जे ये सोचे ना मैं कल्ला नहीं मेरे सिर दे उत्ते एक समाज खलोता होया एक परिवार खलोता होया तो बंदा एक भी कदम पुटन लग्या सौ वार सोचेगा मेरा एक बार पुटिया होया कदम गलत इहदा जिहड़ा खमियाजा वा मेरे परिवार नू मेरी कौम नू मेरे समाज नू भुगतना पै सकता है ये जिम्मेवारी दा अहसास है सतसंग जी तो हजूर इत्थे कहिंदे ने मन बालक वा राजा वा नगरी कच्ची आ दुष्टां नाल प्यारो ते नाले नगर विच गंदगी बहुत है आपां पढ़दे आ ना हुणे जदों महाराज दे सरूप की सेवा करांगे काम क्रोध नगर बहु भरिया इहड़ा नगर आ ना भरिया पिया नको नक ही भरिया पिया वा जो तुम किसी पिंड जाने बाहरों नगर की सफाई तो अंदाजा लग जाता भी पिंड च बंदे बहुत वधिया रहिंदे तो ये तुहाडे वातावरण तो तुहाडे रहन तो पता लगता भी इस नगर विच किदां दी फैमिली रहिंदी आ किदां दी प्रजा ते किदां दा राजा बैठा वा हुण पातशाह जी कहिंदे ने काम क्रोध नगर बहु भरिया की करिए मिल साधु सारे बोलो जी मिल साधु साधु गुरु नूं मिल के ना इस गंदगी नूं साफ करना है वैसे आप पुन की गल करते दान पुन ये भी बड़ा वड्डा एक पुन है कर साधु अंजुली पुन वड्डा है अपने गुरु अगे ही अंजुली करनी अपने गुरु अगे ही झोली अड्डनी ये भी सब तो वड्डा पुन है काश कि सानू यही पुन करना आ जाए ना मैं कहना सानू होर किते जाण दी जरूरत पैनी नहीं ये सब तो वड्डा पुन है कर साधु अंजुली पुन वड्डा बस ए अर्थां ते असी भुलेखा खा गए अंजली तो की पर साधु होर लभ लिया कोई काश कि असी इस साधु को आ अंजली की दुनिया का सब तो वड्डा नेक पुन सी कि अपने गुरु तो सवाए सानू किते होर जाके मत्था टेकन की जरूरत ना पैंदी पातशाही तो इनिया कई बार ना हलूण दे आ त्याग स्वामी आन को चितवत त्याग स्वामी आन को चितवत जिहड़े मालक नूं छड्ड के दूजिआं नूं चितवदे आ दूजिआं दा ध्यान धरदे गुरु अर्जन साहब की कहोगे उन्हां बारे कहिंदे मूड़ मूड़ दा की अर्थ है मूर्ख मूड़ मुगद खल खरते खर दा की अर्थ है भला जी सतसंग जी विद्वान गुणी जन बैठे आ तुसीं सारे की है जी खर दा अर्थ गदा खोता हुण जे गल कोई ढाडी कवीशर रागी ग्रंथी प्रचारक होवे तां किहने गुस्सा करना है महाराज कहिंदे ने जे तू अपने गुरु नूं छड्ड के किसे होर दा चिंतन करदा है तू मूर्ख भी है कल्ला मूर्ख नहीं महामूर्ख है ते नाल कहते खरते तू गदा है त्याग स्वामी आन को चितवत मूड़ मुगद खल खरते पर इन पंक्तियां तक तो अगले सानू जान क्यों सतसंग जी अगले कहते जे इन्हों शब्दों के इन्हों अर्थ पढ़ गया पता लग गया इन्हों घरों तैयार होन लग्या सोचना वा वैसे बेनती करता हूं यहोजे सलोकों शब्दों दियाँ ना इदा पंक्तियां लिख के उन्होंने अर्थ लिख के घर लाने चाहिए भी उठद्या बहद्या शब्द असी पढ़ीए सू बा तुक याद होन कि हो सकता मन ही चेंज हो जाए घरों तुर लगे असं कि जान लगे हो सू बा कवे ना भी बंदे ये काम ना कर तो गलत रस्ते पे हो पर अगलिया सानू शख्शी पूजा ना लिया के जोड़ दिता तो हजूर फरमाते ने राजा बालक राजा अणजाण है नगरी काची नगर कच्चा वा तो दुष्टा नाल प्यारो दुश्मना नाल प्यार पा के बह गया दुष्टा नाल प्यारो अगला वाक है दोए माई दोए बापा पढ़ी है वैसे इन तुम हिस्टरी नाल भी जोड़ के वेखोगे ना शेरे पंजाब महाराज रणजीत सिंह दे कोल तीन सिखी दे थम सी अकाली फूला सिंह
सरदार शाम सिंह अटारी वाला अते सरदार हरी सिंह नलुआ पर घेरा अगलिया ने यह जहा पाया होया सी भी इन्हां तो दूरी बना के रखी तो थोड़े थोड़े पैसों ते भर्ती होए जिहड़े डोगरे सी उन्हां इहो जिहा घेरा पाया इहो जी सोच इहो जे विचार ते बाद च पता लगा शेरे पंजाब नूं भी मेरे नाल की कुछ वापर रिहा। हिस्टरी तो भी सानू बहुत कुछ सीखने लिए मिलता है तो अज भी तुसी अज की लीडरशिप वाली वेख लोगे जेडे सच्ची चाहते हैं जे मान लो किसी लीडर ने सत्ता ही आना एक बंदा कहिंदा यार तुसी सत्ता ही आ जाओ एक बार साडी सुन ते लो जे असी तुहानू वोटां पाउणियां साडे भले की गल कर दो तुसी हर वार सीएम बन जाओ हर वार तुहाडे को लीडरशिप तुहाडे परिवार तो बाहर जाऊगी नहीं पर कम से कम जिथों खांदे जे जिथों तुसी तुरे जे उस बन्ने ते सोच लो पर प्रॉब्लम इत्थे आ गई अपने नालों दूरियां बना लिया तो दुश्मनों के नाल बैठकों ते विचार गोष्ठियां कीतियां फिर तो भाई राज भाग उत्तों ते थले आना ही आना सी ये तुहानू हिस्टरी च भी वेख लो जिवें सतगुरु ने नहीं आख्या भी ये जड़े सारे ज्ञान अंदर अपने अपने रस में मस्त ने भी नैनो नींद पर दृष्टि विकार सरवण सोए सुन निंद विचार रसना सोई लोभ मीठे साध मन सोया माया विस्माद इस ग्रह में कोई जागत रहे सब वस्तु अपनी लह सगल सहेली अपने रस माती सारिया सहेलियां अपने अपने रस में मस्त हो गई तो ग्रह अपने की हुण इहनूं तुसीं अपने शरीर के घर से भी ला लो तो कौमी घर की भी जिहड़ी चिंता उधर भी ला के वेख लो रस ते अपने अपने च लगे हुए हैं वो अपने अपने रस में पैण करके असी असली केंद्र बिंदु दो तो उहीं थिड़क गए तो हजूर इत्थे किड्डी प्यारी गल करदे भी जे तू सच्ची चाहुंदा है हिस्टरी भी साडे सामने आ अंदर वाल भी वेख लो मन राजा अणजाण होण करके इहने दुश्मनां नाल प्यार पा लिया तो अपने नालों दूरी बना के बह गया तो फिर तो होना ही सी गुरु रामदास जी का वाक नहीं भी अगों दे सत भावना दिचे घर ना कई बार कोई बच्चा गलत रस्ते कोई जिदान अपने दादे पड़दाद्या का एक तजर्बा वो समाज में रहे होंगे वो कई बार ना उन्होंने पता लगता भी मेरा पोतरा ना फलाणिया के नाल तुरया फिर उन्हें फिर बड़े प्यार पोतरे को आवाज मारी कहता पुत एक बेनती करा बाकी तू जिंदगी कामयाब तू अपने पैरों सिर पर होना पर जिन्हां नाल तेरा उठना बैठना ना पुत्र वो बंदे चंगे नहीं असी तो बहुत पुराने जानते हैं भी वो तो जिहड़े रुख थल्लों एक बार लंघ जाते मुड़ के फल नहीं उन्होंने लगता फल रुख भी सोचता भी फल लगे कि ना लगे मैनू तू गलत बंदियां नाल तुरिया फिरदा हुण कई बार जवानी के जोश में फिर ये शब्द अग्यों सुनन मिलते हैं अग्यों कहता बच्चे ने हुण शब्द गुरु साहब का वा मैं एग्जाम्पल दुनियावी दी है ध्यान ना सुने हुण गल उस बच्चे ने बड़े प्यार ना जदों कहा आंदा दादा जी वेखो तुहाडी उम्र लंघ गई तुसीं मैनूं पढ़ाया लिखाया सब कुछ दिता पर हुण मैं किहनूं मिलना है किहनूं नहीं मिलना की खाना है की नहीं खाना की पीना है कि नहीं पीना यह जिंदगी दे मेरे हुण अपने फैसले आ तुसीं कहिंदे उह बंदे माड़े हो सकदा उह चंगे हो गए हुण मेरे नाल ते वधिया मैं ते बिजनेस ही उहनां नाल शुरू करना ठीक है पुत्तर तेरी मर्जी मेरा फर्ज बनता सी कि तैनूं अपने वल्लों जो मैनूं मेरे अंदर आवाज़ आ रही उह मैं तैनूं दस दित्ती समां बीतिया कारोबार शुरू हो गया अज धोखा हो गया उस बच्चे ने अज उदास हो के अज घर च तुरिया फिरदा अज दादे ने फिर आवाज़ मारी कहिंदा पुत्र की गल है परेशान लगदा हुण दसे किदां कहिंदा बापू जी उहो गल होई जिहड़ी गल तो तुसीं मैनूं समझाउंदे सी अज पछता रहा बच्चा तो हजूर पता की आंदे हुण गल ये दुनियावी भी ला लो तो गुरु की सिक्ख्या भी ला लो अगों दे सत भावना दिचे जदों गुरु साहब सानूं कोई गल समझाउंदे असीं सत भाव नहीं दिंदे भी गुरु साहब का यह शब्द मेरे जीवन के फायदे लिए आ मैं अगों पता की आना महाराज जी रुमाला भी मिलेगा भेटा भी चढ़ावांगा सब कुछ मिलेगा पर मैं की खाना है की नहीं खाना किनू मिलना है किनू नहीं मिलना कित्थे जाना है कित्थे नहीं जाना यह थोड़ा हुण तुसीं मैनूं दसोगे यह तो मेरे को रहन दो महाराज कहते ठीक है बच्चा वो मेरा पुत्रा तेरी मर्जी है तू अपनी जिंदगी जीऊ पर जिदन तेनों किसी वकार ने ठग लिया जिदन तेरे ना धोखा हो गया उदन उदास हो के जो तू प्यो को आएगा ना उदो फिर प्यो ने कहना अगों दे सत पाओ ना दिचै पिछों दे आखिया कम ना आवै जो कम विगड़ जे मगरों पछताउण दा की फायदा अद विच फिरै मन मुख विचारा गली क्यों सुख पावै अद समझ दियो भी ना इधर ही है तो ना उधर ही है खतरनाक होंगी है गेम कि बंदा एक बन्ने ना लगे कई बार वापरता ना आप तुरे जाते होइए कई बार को आप तुरे जाते अपने अगे कोई बंदा आ गया आप सजे हुए वो सजे हो गया आप खब्बे हुए खब्बे हो गया आप कई बार खलो जाने आप कहने यार जा सजे हो जा
खब्बे। तुसीं इह तो नहीं कहिंदे वी सज्जे हो जा, हो सकदा उहने खब्बे जाणा होवे। तुसीं इह वी नहीं कहिंदे उहनूं तुसीं खब्बे हो जा, हो सकदा उहने सज्जे जाणा होवे। तुसीं उहनूं कहिंदे जे मेरा वीर जां सज्जे हो जा जां खब्बे हो जा, आपणा वी नुकसान करेंगा साडा वी करेंगा। गुरू साहिब कहिंदे मैं नहीं तैनूं कहिंदा इधर ही आ, हो सकदा तूं उधर जाणा होवे, पर चौंक च ना खलो, चरस्ते च खलोएगा तो नुकसान कराएगा। अद विच फिर है मनमुख विचारा गली क्यों सुख पावे, गलों कि सुखी होएगा प्यारे। इस करके जीवन दे विच एक फैसला करना कि महाराज मैं तुहाडे बचनां नूं जिंदगी विच कमावां तो मेरा जीवन खूबसूरत बन सके। तो हजूर समझाउंदे ने राजा बालक नगरी काची दुष्टां नाल दुश्मनां नाल प्यार पा लिया, दुश्मनां दीआं गल्लां चंगीआं लगण लग पईआं, अपणीआं दीआं गल्लां नूं तरजीह दित्ती कोई नहीं, दुष्टां नाल प्यारो दोए माई दोए बापा पढ़िया। तवजो दे के सुनियो तां गल समझ पै जाए। इस मन दीआं दो ही मावां ने ते दो ही इस मन दे बाप ने, तां दी गल ही हो रही, मन दी गल हो रही है क्योंकि प्रकरण मनदा है, क्योंकि स्वामी पंडता तुम देवो मती है ना, गल मन दी हो रही है। तो मन दीआं दो ही मावां ने दो ही बाप ने, यह हुण फैसला मैं करना भी इन्हां विच्चों माँ किहड़ी दी चोण करनी है ते बाप किहड़े दी चोण करनी, यह डिसीजन मेरा वा। दो मावां किहड़ियां, एक है अज्ञानता, एक है गुरु वालों दिती हुई श्रेष्ठ बुद्ध मत, जिहनूं माता मत पढ़दे आपां। ये दो मावां हो गईआं, एक अज्ञानता बेसमझी, एक वो मत है माँ वा, एक माता मत वा। हुण फैसला मेरा वा कि मैं इस मन की परवरिश इन्हां दोवां मावां चों किहड़ी गोद विच करवाउणी है, ये फैसला मेरा वा। दो ही बाप ने, एक बाप किहड़ा है, तू सांझा साहिब बाप मारा अकाल पुरख, एक बाप साहब का करे लड़ाई, एक माया वेड़िया जीवात्मा, एक ये प्यो वा। हुण इहदे विच्चों तू किहड़े बाप की चोण करनी, ये भी मर्जी तेरी है, ये फैसला तेरा वा। हुण जिहड़े माँ बाप की तू चोण करनी, देखो ध्यान ना सुनियो, जिहड़ा अपना शरीर का जन्म है ना, ये सानू पुछ के नहीं होया भी तू किहड़ी माँ की कुख तों पैदा होना चाहुंदा। शरीर ते मन विच इक फर्क है, शरीर के जन्म का सानू पुछया नहीं गया भी तू किहड़ी माँ की कुख तों पैदा होना चाहुंदा, किहड़े बाप दे घर जाना चाहुंदा, पर मन का फैसला तेरे कोल हैगा है कि तू इन्हां दोनों मावां चों किहड़ी माँ की गोद विच पलना चाहुंदा, अज्ञानता बेसमझी रूपी माँ जां गुरु वल्लों बख्शिश कीती श्रेष्ठ मत जिहनूं माँ लाली भी आखिया, माता मत भी आखिया, तू किहड़ी माँ की गोद च पलना, फैसला तेरा है। तू प्यो एक अकाल पुरख वाहिगुरु, तू सांझा साहिब बाप हमारा, हौ पूत तेरा तू बाप मेरा, एक ठहर दोहां बसेरा। हुण दो ही मावां दोए माई दोए बापा पढ़ीए, पंडित करो विचारो, हे पंडित जी गल तो आ दसनी सी, तुसीं तो होर ही उलझा छड्डिया भी इत्थे इन्नियां मसियां नहाओ तो आ लै जो, इत्थे इन्नियां पुन्नियां नहाओ तो आ लै जो, इत्थे आ कर्मकांड करो तो आ लै जो, तुसीं तो उलझा छड्डिया दुनिया नूं, तुसीं तो दस्सिया ही नहीं कि तुसीं अपनी जिंदगी नूं जीउणा किवें है। सारी जिंदगी तुसीं कर्मकांडां विच इंसान दा जोर लवा छड्डिया, जिंदगी विच को फर्क पिया ही ना। तो पातशाही समझाउंदे ने भीतर अगन शब्द दा दूसरा बंद, भीतर अगन बनस्पत मौली, जिमें बनस्पत हरी आ ना, हर दरख्त विच अग हैगी आ, छोटा वा दरख्त वड्डा वा हर दरख्त विच अग हैगी आ। पर तुसीं कई वी वेख्या कई वी हवा वगदी है तो दरख्त नाल ना हवा वगन करके टाणी टुट जाती है, तो नाल लमकण लग पैंदी नाल दरख्त दे, हौली हौली फिर अज रंग होर कल रंग होर परसों रंग होर, फिर एक दिन जो माड़ी तेज़ हवा वगदी तो लथ के थले जा डिगदी आ। किसी ने रोटियां पकाउणियां सी, बालन इकट्ठा करदी करदी कोई बीबी आई, उन्हें दरख्त थले वेख्या भी चार टाणियां पईआं, उन्हें मरोड़ के चुल्हे च डाहियां, दो रोटियां लै गईआं, उहदे नालों बल गई ना। हुण कई वारी सड़कां दे कंढिआं ते रुख लगे होंदे, जदों भावें बहुत जागरूक किया जा रहा भी किसान अपनी फसल दे विच जमीन दे विच अग ना लावे, पर नहीं कई वारी साडा समाज टलदा उस अग दे नाल, कई वारी जिहड़े रोड दे कंढे ते दरख्त हुंदे उह वी अग दी लपेट च आ जांदे आ। अग दा बुला पैंदा वा, अग बहुत तेज़ आउंदी आ, दरख्त बाहरों एक वारी सड़ जांदा वा, पर थोड़े दिनों बाद फिर वह करुंबलियां नवीं फुट आउंदियां ने। हुण की गल इत्थे दरख्त दी हो रही है, गल तो इंसान की कीती जा रही है। की समझाउणा चाहुंदे ने, कहिंदे भीतर अगन, जिवें दरख्त विच अग हैगी आ पर लगदी क्यों नहीं, क्योंकि उहदियां जड़ां जमीन नाल जुड़ियां होईयां ने। इदां हे बंदिया, हर बंदे विच भावें कोई धर्मी है तो भावें कोई अधर्मी आ,
हर बंदे च विशियां वकारां दी आग हैगी आ, बस फर्क इन्ना वा जिहड़ा जीवन गुरु रूपी धरती नाल जुड़िया रहिंदा उहनूं उह विशियां वकारां दी अग साड़ के सवाह नहीं कर सकदी, ते जिहड़ा जीवन गुरु रूपी धरती नाल लिंक तोड़ देवे उहनूं कोई दुनिया की ताकत सड़नों बचा नहीं सकती। समझाउणा ते महाराज कहिंदे सी इह सी तूं होर ही कर्म कांडा च इंसान नूं उलझाई गया, भीतर अगन बंदे जिवें दरख्त दे अंदर अग है, भीतर अगन बनस्पत, सारे बोलो जी बनस्पत, मौली जिवें बनस्पति बाहरों मौली आ हरी आ पर अंदर अग वा, इदां ही हर जीवन दे विच अग हैगी आ, हर बंदे च अग विशियां वकारां दी, काम क्रोध लोह मोह हंकार दी। हुण जिहड़ा इंसान गुरमत नाल जुड़ जांदा वह इस अग तो बचा लैंदा, जिवें बाणी च भी आख्या ना कि बंदे दे अंदर हंस हेत लोभ कोप चारे नदियां अग, भवें दजें नानका तरीए करमी लग। बंदे अंदर चार नदियां वह रही ने, हंस हिंसा हिंसक हो जाना, हिंसक बंदा जो हों तो यह नहीं कहता भी मैं वार माँ पर कर लगा कि भैन पर कर लगा कि पत्नी मार लगा वा मैं अपने बाप का कतल कर लगा, फिर तो थोड़ा फिर हिंसक जो हों। हंस हेत हेदार्थ की है मोह, लोभ लालच कोप क्रोध, ये चार नदियां ने अग दियां, हंस हेत लोभ कोप चारे नदियां अग, भवें जेड़े च पै जाते दजें सड़ जाते तो तरी है करमी लग। जेड़े सच नाल जुड़ जाते वो जिवें दरख्त जिहड़ा जुड़िया सी धरती नाल उहनू अग पई आ, पर जदों थोड़े दिनों बाद फिर धरती नाल जुड़न करके नवीं करुंबलियां भी फुट पईआं उहनू, तो जिहड़ा लिंक ही तोड़ गया उहनू तो मिंट लाया सड़ लग्गिया, उहने ऐ झुलस गया उदां ही अग लग गई उहनू। पातशाह जी कहिंदे ने इदां ही बंदिया गुरु नाल जुड़ेंगा तेरे अंदर हरियावल होएगी, मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया, गुरप्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया, हर का नाम त्याय कै हो हरिया पाई। हुण हरिया शब्द का मतलब की है, रब का नाम लैण वाले का रंग हरिया हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है? नहीं, हरे होने का मतलब है जिहड़ी हरी टाहणी हुंदी है, तुसीं वेखो ना फ्लैक्सीबल हुंदी आ, तूत हुंदा सी हुण तां दरख्त ही घट गए, अगे जदों सर्दियां दा मौसम आउणा कणकां बीजण तों पहलां बजुर्गां ने कहना तूत छांग लियाओ खेतां चों टोकरे टोकरियां बना लो, उह जदों तूत छांग के लियाउणे ना ते फिर उह टोकरे टोकरियां बनाउण वाला वी घर उदण ही बुला लैणा, उहने इदां मरोड़ मरोड़ के टाहणियां मरोड़ मरोड़ के टोकरियां टोकरे छाबे किन्ना कुछ तैयार कर देणा, पर कदों अज अज ही दो दिन तीन दिन जे कवे जी अज तूत वढ़िया छांगिया वा तो आप दो महीने बाद कही उन्हों दो महीने बाद फिर जो तुम टाहणी मरोड़न लगनी है ना वो गड़च करके लक चो टुट जानी आ। इतने हरे होने का अर्थ पता की आ, फ्लैक्सीबल होना, जिहड़ा रब का नाम जुड़ जपदा ना फिर वह इन्ना क फ्लैक्सीबल हों कहिंदा भावें पता मैनू भी इतने मेरा माड़ा जिहा झुकना रिश्ता बजदा वा, वह आकड़ा नहीं, फिर वह आकड़ा नहीं, वो कहता नहीं कोई गल नहीं, फिर परिश्तियां बचाऊंदा वा, कहिंदा पता भी है भी इतने मेरी गलती नहीं है, वाला चलो अगे चलिए आप बहुत दूर जाना वा, वो फ्लैक्सीबल हों जिमें जड़ा जड़ा दरखत हरिया वा ना वो टाणी जिदा मरोड़ी जो मुड़ी जाती है, पर जड़ा धरती नालों लिंक तोड़ दे वो फिर मुड़ा नहीं, वो तो फिर माड़ा जहा मरोड़ोगे लक चो टुट जाना। तो अज ईगो ने इन समस्यावान ने निक्किया निक्किया गल्लां ने परिवारां दी जखणा ला के रख दित्ती, कई बार इन्हें नाम ही गलती होवे ना झुकण नाल भी परिवार जुड़े रहिंदे ने, माड़ा जिहा झुकण नाल भी परिवार अगे तुर पैंदे ने। तो ये बहुत है गल्लां छोटियां ने पर इन्हां गल्लां दे मीनिंग बड़े वड्डे ने, जे किते इंसान नूं समझ आ जाए कि मैं अगे किधे जाना है। तो हजूर समझाउंदे ने भीतर अगन बनस्पत मौली, जिवें दरख्त दे अंदर अग है क्यों नहीं उन्हों अग लगती, क्योंकि अंदरों हरिया वा। इदां ही मनुखी जीवन दे विच जदों सच है गुरु धरती नाल जुड़िया वह विशियां वकारां दी अग तो अपने आप नूं बचा के रखता है। सागर पंडे पाया, पातशाह जी कहिंदे ने हे भाई जिवें बाहर समुंदर है ना बंदे दे अंदर भी समुंदर है, जिवें बाहर समुंदर च सुनामियां आउंदियां ने लावे फुटदे ने इदां बंदे दे अंदर भी समुंदर है, इत्थे भी सुनामी आउंदी है इत्थे भी लावा फुटदा है, पर कहदा काम वासनावां दीआं सुनामियां लालच दे लावे फुटदे ने। बाहर दी सुनामी ते तूं रोक नहीं सकदा पर अंदर दी सुनामी ते तूं रोक सकदा है ना, अंदर दी सुनामी ते तेरे कोल अपने हाथ वास हैगी है ना। भीतर अगन बनस्पत मौली सागर पंडे पाया, इस पिंड विच ही सागर वा, इत्थे ही आ
चंद सूरज दो घर ही पीतर। बाहर चंद्रमा सूरज है ना, तेरे अंदर भी चंद्रमा तो सूरज है ही। हुण जिवें अगे पुराना जमाना हुंदा सी जदों ना मस्या दीआं रातां लंघणियां, मस्या तो बाद जदों ऐ कालीआं रातां होणियां अमावस दी रात, जदों मस्या नूं लंघी नूं 5-7 दिन होणे, जदों पहली वार आकाश चंद्रमा दिखाई देण ना, ते मावां भोलीआं ने कहना चंद मामे नूं मत्था टेको। ते न्याणे टेकदे रहे, बजुर्गां नूं पता होणा भी हजारां योजन दूर ते मावां बाहों फड़ के कई वारी न्याणे सुते नूं उठा के कहिंदे वी चंद मामा नूं मत्था टेको। हजारां योजन दूर बैठे चंद मामा नूं मत्था टेकी गए, ते न्याणे दे सके मामे वल वेख के कई वारी मत्थे ते त्यूड़ियां पाउंदे रहे। जिहड़े मामे नाल सांझ बणाउणा, घर नेड़ा बणना सी, प्यार मुहब्बत वधना सी, उत्थे ने दस्सिया वी असीं रिश्तेदारां नाल किद्दां बोलणा वा। हजारां योजन दूर जिहड़ा चंद मामा ना, उहनूं फड़ फड़ के मत्थे टका टका के लोगों का जोर लवा छड़िया। पर पातशाह जी कहिंदे बंदे आ किहड़े ने चंद्रमा नूं मत्था टेकिया, इत्थे पता नहीं केते इंद चंद सूर केते केते मंदर देस। जिहड़े तेरे अंदर चंद्रमा सूर सी किते इहनूं समझ लैंदा ना, जिंदगी जीउण दा स्वाद आ जाणा सी। महाराज ओह किहड़े कहिंदे चंद सूरज दोए घर ही पीतर ऐसा ज्ञान ना पाया। अच्छा इह चंद्रमा ते सूरज अंदर किहड़े आ? सूरज वा बंदे दे अंदर काम करन दी कला, सौखा समझो इहनूं। हुण मान लो तुसीं मिट्टी उत्ते मिट्टी टिका सकदे आ, पर बंदे दे अंदर दे सूरज ने वेलो क्या तो क्या करता। जिहड़ी अज कोई 50 मंजिली बिल्डिंग है, हुण मिट्टी उत्ते मिट्टी टिकाई, इट भी उत्थों निकली आ, सरिया सीमेंट भी उत्थों निकलिया, लकड़ कित्थों निकली आ, सब कुछ मिट्टी है, पर बंदे दे दिमाग की खेड वेखो। आ दूर की जाना कैमरे वेखो तुसीं, अज जिहड़ा बंदा बोल रहा आने वाली पीढ़ियां उहदी आवाज़ सुनिया करनी, उहदी फोटो वेखिया करनी है। ये बंदे दे हुण जिहड़े बंदे इंडिया तो बहुत देर दे आए आ, जिहड़ा छोटा जिहा बच्चा छड्ड के आए आ, मगरों उहदा आनंद कारज हो गया, नहीं विचारे दे पेपर बने, उहने अपने बच्चे नूं कैमरे राहीं वड्डे हुंदा वेखिया, उहदा विआह वी इस कैमरे राहीं वेखिया वा। बंदे दे अंदर दे सूरज ने दुनिया नूं छोटिया करता। ऐ लिया के तुसीं कित्थे बैठे जे बंदे दे अंदर, बाहर रात दी सर्दी आ, रात बंदा सुता, सवेर नूं 1.5-2 फुट स्नो चढ़ गई आ, अंदर अंदर बंदा नॉर्मल कपड़े पा के बैठा, बंदे दे अंदर दे सूरज ने कुदरत नूं भी टक्कर देती भी तू भावें बाहर स्नो पा रहा, मैं तो नॉर्मल टैंपरेचर बना के बैठा। घरों गराज चो गड्डी कढ़दे आ, अत दी बारिश हो रही है, सुके कपड़े पा के गड्डी च बहिंदे आ, तो 200 मील जाके 150 मील जाके आपां किसे दे घर जाके उतरदे आ, सुके कपड़े पा के उत्थे घरों गए सी, सुके कपड़े पा के बाहर निकले आ। बंदे दे अंदर दे सूरज ने अत दी ठंड च भी अंदर दा नॉर्मल टैंपरेचर आ, अत दी गर्मी च भी अंदर दा नॉर्मल टैंपरेचर आ। बंदे आ जे इनिया काढ़ा तू बाहरों कढ़ लिया, 5% कितने अंदर जोर ला लेता ना, बाहर भटकना ना पैंदा यार तेनों। तू इत्थे तां सतगुरू कहना पैसी ना परमाणु प्रजंता कच्छ है, गाथा बाणी पढ़ के वेखो। बंदे आ तेरे कोल जिन्नी मर्जी ताकत आ जाए, तू अख झमकण जितने समय दे विच परमाणु ऐ सूखम कर लिया अपने आप नूं, अख झमकण जितने समय विच धरती तो आकाश चला जाए, परमाणु प्रजंत कदों आकाश है किन्नी देर च, गाशेण नैण भरेण, अख झमके तो बंदा लोप हो जाए कितना कितने पहुँच जाए। पर इन्नी ताकत आने तो बाद भी नानक बिना साधु ना सद्या, ते गुरु तो बिना जिंदगी जीने का तरीका तेन फेव नहीं आना। खोसदा इन्नी खोज करन तो बाद फिर रस्से दे नाल पखे दे नाल रस्सा बन के अपनी जीवन लीला खत्म कर लवे। होए बड़े बड़े बंदे खोजी डिप्रैशन के शिकार भी होंगे, तो दिखणगे बड़े बड़े बंदे धनंतर एजुकेशन सिखरां ते पहुंचियां। आप मनुखता की सेवा भाई गुरप्रीत सिंह करते हैं, ला करन वाले कॉलेजां विच लैक्चर करन वाले दूजियां दा इलाज करन वाले, पता नहीं कित्थे जाके कई बार सोचदा मोबाइल आ तुहाडा लैपटॉप है कितने माड़ा जिहा कोई पॉइंट हिल जाए, तो पता नहीं लगता मोबाइल नूं की करी जांदा, अपने आप ही फाइलां ओपन हो जांदियां ने। बंदे दी वी तां इहो खेड आ, पता नहीं कित्थे कोई माड़ा पॉइंट हिलणा वा, सारा कुछ सही आ कहना, अज पता नहीं लगता जिहनूं ना खाण दा पता लगता ना पीण दा पता लगता। दो PR ने कैनेडा दे मनुखता की सेवा गुरप्रीत सिंह जिहड़े लुधियाणे, दो PR ने जिहनूं उहनां दा नाप लैण गए ना तो इदां आण के खलो जांदे आ। तो भाई अजीत सिंह जी जिहड़े कॉलेजी टेलर उहनां कपड़ियां की सेवा की, उह दसण कहिंदे वेख लो हुणे आम बंदा जिहड़ा कपड़े की सिलाई कराउण जांदा ना, किन्ने नुक्स करदा वी बटन इदां दा लायो इदां दी कढ़ाई करिओ, उह आण के इदां खलो जांदे आ। कहिंदे वेख लो उह बंदे कैनेडा दे PR ने बंदे, पता नहीं अरदास करिया करो सच्चा पातशाह, पता नहीं कितने कि माड़ी जी चेपी लड़ी आ, तो तेनों यही नहीं पता लगना भी बाहर धुप आ के शाम आ दिन आ के रहा। तो बंदे इन्ना कुछ तेरे कोल हैगा, धनवाद करिया कर, शुकराना करिया कर। हे अकाल पुरख वाहिगुरू, जिहड़ा मैंटल बंदा हुंदा ना उहदे शरीर दे अंग आम बंदिआं नालों कई वारी ज़्यादा तंदुरुस्त हुंदे ने,
पर किहड़ी चीज़ की कमी होंदी है, आ नहीं कम करता बेचारे का, उन्हें खाने का नहीं पता, पहनने का नहीं पता, पीन का नहीं पता, हंकार कहदा बंदे आ। तो हजूर समझाते ने भीतर यगन बनस्पत मौली सागर, सारे पढ़ो सागर पंडे पाया चंद सूरज दोए, तेरे अंदर ही सूरज वा काम करने की कला, कितों किन्ना कुछ खोज लिया तू, किन्ना कुछ मछी वाल वेख के तू शिप तैयार कर लिया, किन्ना किन्ना भार लद के पानी नूं चीरदा होया एक देश तो दूजे देश जा रहा, पंछी वाल वेख के तू प्लेन तैयार कर लिया, किन्नी किन्नी पब्लिक लैके उड्डी जांदा बंदिया, तेरे अंदर दे सूरज ने कितों दी कित्थे दुनिया पहुँचाती, कितों का कितने पहुँच गया तू। अज कदी जमाना सी कोई घरों बाहर जाता सी, उन्हूं स्नेहा फिर बेचारे नूं घर आना पैंदा सी, फिर दसदे सी, फिर बाजार जाता सी, ते अज घरों बंदा गया होवे मगरों फोन चला जाता आ लेके आयो जी इतने आ कर जी, तुम हजारा बंद जो अपना बंदा अपना रिश्तेदार कि लभ लेंगे जी, कहते नहीं गल करनी है ये बंदे दे अंदर दे, आ एक तो लैके नौ ही नंबर ने, इन्हों नौ नंबर च पूरी दुनिया से आप जिस मर्जी गल करनी उ घूमी जाते बार बार, बंदे दे अंदर दे सूरज ने कितों की कितों तक की खोज कर दिती। तो चंद्रमा की है ठंडक, किसी की गल नूं जरना सहनशीलता, बंदे दे अंदर चंद्रमा भी हैगा वा ते बंदे दे अंदर सूरज भी हैगा। वैसे जिते वो नहीं साढ़े प्रिंसीपल ग्ञानी जगजीत सिंह सिद्दकी जो संथिया की क्लास लाते होंगे सी, एक शब्द बहुत दिलाते होंगे सी भी जितया वो नहीं जो कह गया, जितया वो जो सह गया, जिहड़ा गल कह जे वो नहीं जितया हुंदा, जिहड़ा गल सह जांदा ना जितया वास्तव च वो हुंदा है, वो कहना तो सौखा ही बड़ा पर जिहड़ा जित गया ना, क्योंकि बिना ताकत तों किसे दी गल जरी कदी नहीं जांदी, ताकतवर बंदे किसे दी गल जर सकदा, जितया वो नहीं जो कह गया, जितया वो जो हुण एक तलवार है एक ढाल वा, जिहड़ी तलवार अगले नूं वढ़दी आ पर ढाल तुहानूं बचाउंदी आ, तुहाडा सहज ढाल वा, आ ते तलवार कट्टी जांदी बस नप्पी जांदी, कहिंदे कैंची आ ये तो वढ़ी जाती है, तो बहुत रिश्ते वढ़ती कई बार है हड्डी है नहीं पर कई बार हड्डियां भी तड़ा दी बंदे दियाँ। तो खैर पातशाह जी कहते ने भीतर अगन बनस्पत मौली सागर पंडे पाया चंद सूज दोए, घर ही भीतर घरे ही अंदर ही ऐसा ज्ञान ना पाया, स्वामी पंडता तुम आ दे मत किन विद पावो प्राणपति। अगे हुण दो मावां की गल आई सी ना, हुण इन्हां चों एक मां खाणी आ भोग, भोगदार थी तो समझ आ गई भी भोगदार सा भोगना, राम रवंता जानी है राम ना रमिया होया रब ना एक में होया जाना उन्हूं ही जाणो, एक माई भोग करे जिन्हें एक माई नूं मुकाता, एक माई का भोग ही पाता भोगदार सा भोगना खा लेना मुका देना, एक माई नूं मार दिता कि अग्ञानता रूपी मां नूं खत्म कर दिता, बेसमझी मुक गई जीवन चों, राम रवंता जानिए सारे बोलो राम रवंता, एक माई भोग करे एक माई भोग ली पावे एक माई नू खत्म कर दिता, ता के लखण आदे लक्षण हो गए फिर ये निशानी होगी, ता के लखण जानिए खिमा धन संग्रह, वो कोल खिमा का धन होगा, जिवें आप परसों गल कही सी ना गलती किसे कोल भी हो जाती है पर उस गलती नूं दरौना ना चिथना ना बार बार कहना कोई गल नहीं अगे चलिए हुण आपां अगे तो ना करी ध्यान रखी थोड़ा जिहा, खिमा तन संग्रह कहिया सुणे ना खाया माने, ये गल कहदी हो रही मन की, मन मन की पता किन्ना नाल संगत वा, वह ज्ञान अंदरे जिहड़े किसे दी कई गल सुणदे वी नहीं ते खाया माने, अखी देखना रजियां अखां रजदियां जी, एक मन का उन्हां नाल वाह पैंदा वा जिहड़े ज्ञान अंदरे कदी रजदे नहीं, कहे आ सुणे ना खाया मन, ना ते खाया मनदे आ ना ते तृप्ति हुंदे आ ते ना इन्हां विच तृप्ति आउंदी आ, कहे आ सुणे ना खाया मन, ना ये आखे लगदे आ ते ना ये रजदे आ ते ना ही सेती वासा उन्हां नाल इस मन का वासा वा, परणवत नानक दासन दासा, नानक ता दासां दा दास ए बेनती करदा भी खिन तोला खिन मासा, ये मनुखी मन की हालत आ भी कदी ते तोला हो जाता कदी मासा, तोले का बारवां हिस्सा उन्हूं मासा कहिंदे आ, जानी कदी ते ये ओह गल आ गई फिर भी कदी ते कहिंदा भी गन्ना तोड़िया तू इत्थे रख लड़ पैंदा ते कदी आंदा कोई गल नहीं भावें अगली वारी आयो माणिक गुड़ लै जाओ गुड़ आप वाधू कढ़िया, तू रिश्तेदार घर के भी आते भी तुहाड़ा समझ नहीं आई सानू अजे तक, रिश्तेदार कई बार हुंदा ना भी कई बार तो दो चार सौ ते भी लड़ पैंदा
ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਰਦਾ, ਚੱਕ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਚੰਦਨ ਦੀ ਟਾਹਣੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਕ ਦੀ ਟਾਹਣੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸੁਭਾਅ ਵਾ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਵਾ ਨਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੜ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾ ਲਓ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਆ ਸੁਣੇ ਨਾ ਖਾਇਆ ਮਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੇਤੀ ਵਾਸਾ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ ਖਿਨ ਤੋੜਾ ਖਿਨ ਮਾਸਾ। ਤੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਤੋੜੇ ਹੀ ਰਹੀਏ ਵੀ ਮਾਸਾ ਹੋਈਏ ਨਾ। ਇਹ ਮਾਸਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਮਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਤੋੜਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੋੜੇ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜੂ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨੋਰਥ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣਿਆਂ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣੇ ਵੀ ਇੰਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸੁਪੁੱਤ ਕਰੇਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਵੱਢ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂਣ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭਰਾ, ਵੀਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਪਾਸੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੋਂ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਥਕੇਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਆਦਵ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।